नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल इंग्रेडिएंट्स इनसाइड में। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि कोई भी नया कॉस्मेटिक प्रोडक्ट लॉन्च हो वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मेरा नाम है डीके, मैं हूं एक रिसर्चिंग फार्मासिस्ट मुंबई। तो दोस्तों, आज मैं रिव्यू कर रहा हूं डव के न्यू शैम्पूज और न्यू कंडीशनर। ये शैम्पूज नरिशिंग सीक्रेट्स रेंज के नाम से आ रहे हैं और कंडीशनर भी नरिशिंग सीक्रेट्स के नाम के रेंज के हैं। और ये डव कंपनी जो हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी है, ये लॉन्च कर रही है गर्मियों के मौसम में, तो श्योरली इनको कुछ अलग ही देना होगा। तो आइए देखते हैं क्या है इसके इंग्रेडिएंट्स, क्या करता है शैम्पू, कैसे काम करता है शैम्पू, इसे खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए, फाइनल येस और नो में आंसर दूंगा, तो एंड तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, ऑल इन ऑल इस शैम्पू के 4 वेरिएंट्स हैं, लेकिन हाल फिलहाल बहुत जल्दी मुझे ये शैम्पू हाथ लगे हैं तो मुझे सिर्फ 2 ही वेरिएंट्स हाथ में आ पाए हैं। अब नरिशिंग सीक्रेट्स, ऑल इन ऑल सारे नरिशिंग सीक्रेट्स हैं, लेकिन मेरे पास हाथ में आया है ओट मिल्क हनी और दूसरा आया है कॉर्नफ्लावर ऑयल एंड वाइट टी। अब कंडीशनर्स को साइड कर लेते हैं, पहले शैम्पूज को रिव्यू करते हैं। अब ओट मिल्क हनी और कॉर्नफ्लावर ऑयल और वाइट टी, पहली बात तो ये कॉर्नफ्लावर ऑयल और वाइट टी ये क्या करता है दोस्तों, बालों को एक कैसे बोल सकते हैं, एक ग्लो देता है। कॉर्नफ्लावर ऑयल एक तेल की परत सी बना देता है बालों के स्टैंड के ऊपर, जो आपको बालों को थोड़ा ग्लो देगा, ब्लश देगा। और ओट मिल्क एंड हनी क्या करेगा कि आपके बालों को थोड़ा मॉइस्चराइज करेगा, और थोड़ा मॉइस्चराइजिंग बेस में है ये दोनों शैम्पूज। और डव के जितने भी नरिशिंग सीक्रेट्स के जो रेंज है, ये दोनों, ये सारे शैम्पूज और कंडीशनर नरिशिंग बेस में है। ये लॉन्च करने का गर्मियों के सीज़न में मतलब क्या है होता है कि गर्मियों के सीज़न में यूजुअली लोग जब बाहर रहते हैं तो बाल गर्मी की वजह से, धूप की वजह से बहुत रूखे सूखे हो जाते हैं, तो नरिशिंग बालों को नरिश्ड रहने चाहिए, इसलिए इनका ये प्लान है कि बालों का मॉइस्चराइजिंग क्रीम बेस में हम लोग कुछ शैम्पू निकालें, तो इसलिए ये लॉन्च किया गया है। अब नरिशिंग सीक्रेट्स कंडीशनर शैम्पूज़ की बात की जाए तो फ्रेगनेंस के हिसाब से दोनों के फ्रेगनेंस काफ़ी अच्छे हैं, इंस्पायर्ड बाय रिचुअल्स ऑफ नॉर्थ अमेरिकन वुमेन से रिचुअल्स इन्होंने इंस्पायर किया है। मतलब नॉर्थ अमेरिकन जितनी भी वुमेन्स रहती हैं, नॉर्थ अमेरिका में ऐसा माना गया है कि 99% वुमेन वर्किंग रहती है, मतलब 99% वुमेन जॉब्स वाली रहती हैं, वर्किंग रहती हैं, तो वो बाहर रहती हैं यूजुअली, तो उनके बाल ख़राब ना हो, और वो बाहर बहुत बिजी रहती हैं काम में तो उनके बाल ख़राब ना हो, बिजनेस वुमेंस रहती हैं, तो उनके हिसाब से ये शैम्पू बनाया गया है। अब शैम्पू की बात की जाए तो सल्फेट फ्री नहीं है, सोडियम लॉरेट सल्फेट है, तो जिसको सल्फेट से प्रॉब्लम है श्योरली ये शैम्पू ना खरीदें। और मॉइस्चराइजिंग बेस में है, इसमें वाइट टी एक्सट्रैक्ट है, वाइट टी एक्सट्रैक्ट आपके बालों को नरिश करता है और ऑयल दूर करता है। इसमें तो एज़ यूजुअल ओट मिल्क और हनी है बालों को मॉइस्चराइज करने के लिए है, बाल कंघी में फंस जाते हैं तो वो नहीं फंसेंगे उसकी वजह से। अब फ्रेगनेंसेस की बात की जाए तो मैंने दोनों शैम्पूज टेस्ट किए हैं अपने ऊपर भी, अच्छे हैं शैम्पूज, लेकिन एक ही छोटी सी प्रॉब्लम है, नरिशिंग बेस में है, एंटी डैंड्रफ बेस में नहीं है। तो अब यहाँ पर सवाल आ जाता है कि अगर आपको डैंड्रफ का प्रॉब्लम है तो ये शैम्पूज आपके लिए बने नहीं हैं। अगर आपको लाइफ स्पैन में कभी भी डैंड्रफ रहा होगा या डैंड्रफ की तकलीफ, आपको कोई भी शैम्पू चेंज करने से अगर आपको डैंड्रफ की तकलीफ आ जाती है तो ये शैम्पूज पे स्विच ना कीजिए, क्योंकि ये शैम्पूज डैंड्रफ को दूर रखने के काबिल नहीं है। तो इन शॉर्ट अगर बोला जाए तो जितने चारों वेरिएंट्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने बाकी के 2 वेरिएंट्स के बारे में भी पढ़ा है, तो चारों वेरिएंट्स जो नरिशिंग सीक्रेट्स के बारे में है, नरिशिंग सीक्रेट्स चारों, एक बालों को ग्लो कर रहा है, एक बालों को स्ट्रेंथ दे रहा है, एक बालों को लंबा कर रहा है, एक स्प्लिट एंड्स घटा रहा है, लेकिन डैंड्रफ बेस्ड नहीं है। तो अगर आपको डैंड्रफ प्रॉब्लम है तो श्योरली ये शैम्पू ना खरीदें, क्योंकि ये शैम्पू फिर आपके लिए नहीं है और आपको डैंड्रफ देगा। तो जिसको आज तक डैंड्रफ का कोई प्रॉब्लम नहीं रहा है, डैंड्रफ से दूर ही है, तो वो श्योरली ये शैम्पू खरीदें, अच्छे रिजल्ट्स देगा, गर्मी के हिसाब से आपके बालों को नरिश रखेगा, लेकिन डैंड्रफ वालों के लिए ये शैम्पू नहीं है। तो नरिशिंग सीक्रेट्स मैंने आपको बता दिया, जिसके बाल ड्राई रहते हैं और बाल रूखे सूखे रहते हैं, नरिशिंग सीक्रेट्स अच्छे शैम्पू हैं, अच्छा रेंज है और बहुत ही इनोवेटिव रेंज है। हिंदुस्तान यूनिलीवर वालों ने दिमाग चला के ये रेंज लॉन्च किया है गर्मी में, क्योंकि अब गर्मियों में ही बाल रूखे सूखे हो जाते हैं, लेकिन डैंड्रफ वाले लोगों के लिए नहीं है, जिनको डैंड्रफ जल्दी पकड़ता है ना खरीदिएगा। अब बात करें कंडीशनर्स की, कंडीशनर्स में भी सेम कॉर्नफ्लावर ऑयल एंड वाइट टी और ओट मिल्क एंड हनी, उन्हीं के कंडीशनर्स हैं। कंडीशनिंग बेस इन्होंने डाला है परपूरिया और कैमेलिया सेनिसिस, वाइट टी, लीफ टी, कोकोनट ऑयल, ठीक है। कंडीशनर्स भी ऑल इन ऑल अच्छे हैं, फ्रेगनेंसेज भी एक्सेप्टेबल है, फ्रेगनेंसेज अच्छी हैं, यूज़ कर सकते हैं, ऑलमोस्ट शैम्पू के जैसा ही है फ्रेगनेंस कंडीशनर्स का भी, लेकिन अच्छे कंडीशनर्स हैं, बालों को नरिश रखेंगे, बालों को हेल्दी रखेंगे,
बात वहीं फिर से आ जाती है डैंड्रफ से। डैंड्रफ अगर आपको परेशान करता आया है आज तक, तो इससे दूर रहिएगा क्योंकि इससे डैंड्रफ वापस आ जाएगा। ये नरिशिंग है, तो बाल जब आप डव का कोई भी कंडीशनर, ये नरिशिंग सीक्रेट्स काफ़ी थिक कंडीशनर्स रहते हैं, तो अच्छे से बालों को वॉश कीजिए, अच्छे से कंडीशनर को निकालिए, कंटिन्यू रनिंग वाटर में रखिए बालों को और अच्छे से कंडीशनर्स को निकालिए। कंटेंट्स के हिसाब से बात की जाए, मैंने दोनों के इंग्रेडिएंट्स पढ़े हैं और इंग्रेडिएंट्स दोनों के अच्छे हैं और कम केमिकल में, मतलब जितना हो सके उतना कम केमिकल डाल के ये दोनों कंडीशनर्स और एज वेल एज ये दोनों शैम्पूज बनाए गए हैं। लेकिन ड्रास्टिक मतलब ऐसे कुछ इनोवेटिव रिजल्ट नहीं देगा आपको, रिजल्ट अच्छे देगा, बाल नरिश रखेगा, लेकिन इनोवेटिव कुछ ऐसा अलग नहीं है। दोनों भी अच्छे शैम्पूज हैं, अच्छे कंडीशनर्स हैं, रिजल्ट भी अच्छे देंगे। लेकिन सिर्फ लास्ट में वही बात आ जाती है कि डैंड्रफ वाले लोग इससे दूर रहें, जिसको डैंड्रफ का प्रॉब्लम आता रहे वो इससे दूर रहें। बाकी ऑल इन ऑल दोनों शैम्पूज और दोनों कंडीशनर्स अच्छे हैं, बालों को नरिश करते हैं, बालों को ड्राई नहीं होने देंगे, आप भले धूप में भी घूमते हैं मट्टी को भी बालों पे आने नहीं देंगे, जल्दी सरका देंगे मट्टी को नीचे। तो ऑल इन ऑल शैम्पूज और कंडीशनर्स जो नरिशिंग सीक्रेट्स का जो रेंज है बहुत अच्छा है, तो श्योरली यूज़ कीजिए, अच्छा रेंज है और बाल नरिशिंग के लिए तो बहुत अच्छा है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, शुक्रिया।